दोस्तों छोटू और आरती के प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार दो वर्ष पहले से प्यार करने वाला आरती और छोटू किस तरह से आरती कुमारी ने अपने प्रेमी छोटू को खो दी। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार आरती कुमारी जो कि छोटू के साथ क्यों नहीं भागी। हालांकि हाल ही में बताया जाता है कि बहुत सारे मीडियाकर्मी जो कि छोटू के गांव भी पहुंचे और आरती कुमारी के गांव भी पहुंचे और बहुत सारे लोगों से उन लोगों ने पूछताछ करा, तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अगर वो दोनों चाहता तो वो दोनों भाग भी सकता था। लेकिन बताया जाता है कि आरती और छोटू जो कि भागना नहीं चाहता था, वो लोग चाहता था कि उसके परिवार वाले जो कि सहमति से उन दोनों का शादी करवा दे। हालांकि आपको बता दें कि लड़के के घर वाले जो कि सभी लोग एकदम राजी थे। बताया जाता है कि छोटू कुमार के सभी परिवार के लोग जो कि राजी थे, हर कोई कह रहे थे ठीक है तुम्हारा मन है तो कोई बात नहीं हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। लेकिन आरती के घर वालों के बारे में बताया ही जा रहा था कि वो लोग काफी विरोध कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि छोटू कुमार के पास उतना संपत्ति नहीं है और ना ही वो अमीर है, इसीलिए तुम उससे शादी क्यों करेगी, जिंदगी भर तुम दुखी रहोगी। तो इसीलिए बताया जाता है कि आरती कुमारी के घर वाले जो कि छोटू कुमार को बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। हालांकि गौ वालों ने यह भी कहा कि छोटू और आरती जो कि कभी भी नहीं चाहता था कि उसके घर वालों का नाक कटे, उसके घर वालों का बेइज्जती हो, वो लोग कभी नहीं चाहता था कि उसके माता पिता का पगड़ी नीचा हो। उन दोनों प्रेमियों ने अपने माता पिता का इज्जत बचाने के लिए बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों ने तो अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचा, लेकिन हुआ क्या, आरती कुमारी के घर वाले जो कि छोटू कुमार का कत्ल कर दिया और आज के समय में आरती कुमारी की जिंदगी को नर्क बना दिया। हालांकि बताया जाता है कि आरती कुमारी का ये कहना है कि हम जिंदगी भर विधवा बन करके रहेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि आखिरकार समाज के लोग जो कि आज भी कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल सही काम किया था, वो लोग भाग करके शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने जो करा, यानी कि आरती कुमारी के घर वालों ने जिस तरह से छोटू का कत्ल कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना। मिलता है अगले नए वीडियो में।